प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली मिलन समारोह कर रहे हैं। 7 रेस कोर्स पर एनडीए के तमाम नेताओं को दावत दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये महज एक दावत है कि फिर दिवाली के बहाने गठबंधन में आई खटास को मिठास में बदलने की कोशिश। क्या बीजेपी और शिवसेना में बात बन जाएगी? क्या अकाली के साथ तलखी मिट जाएगी? मोदी ने 7 रेस कोर्स में रिश्तों की खाई भरने के लिए न्योता भेज दिया है और दावत को हाई टी पार्टी का नाम दिया गया है। अब एक एक नेता के साथ मोदी करेंगे मन की बात। एनडीए के सभी साथी, सब दलों का एनडीए का इस भारी बहुमत से सरकार बने। तीर कमान भी हमारे हैं, कमल भी हमारा है। हमने सबने मिलकर के महायुति को विजयी बनाना है। जो भी हो, लीक से हटकर हो, फिर चाहे सरकार चलाने का तरीका हो या देश को चलाने का, मोदी सियासी सख्ती भी दिखाते हैं और भावनाओं की अहमियत भी, तो रिश्तों को सहेजना भी उन्हें बखूबी आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भी एक हुनर है। जो संदेश आ रहा था, मोदी और अमित शाह के राज में गठबंधन खारिज हो रहा है, तो 7 रेस कोर्स यानी प्रधानमंत्री निवास पर एनडीए के तमाम नेताओं को बुलाया है। प्रधानमंत्री मोदी की ये पार्टी पॉलिटिक्स कहिए या फिर ये साबित करने की कोशिश कि गठबंधन का युग अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री निवास पर दिवाली मिलन की दावत का न्योता तमाम नेताओं के पास पहुंच चुका है। मोदी ने रखा है दिवाली मिलन समारोह, एनडीए नेताओं को मोदी ने भेजी दावत, 7 रेस कोर्स पर हाई टी समारोह, 26 अक्टूबर को दिवाली मिलन समारोह। प्रधानमंत्री निवास पर दिवाली मिलन समारोह का असली मकसद क्या है? एनडीए के तमाम नेताओं को एक साथ बुलाना, अनौपचारिक बातचीत करना, इसके पीछे वजह सिर्फ गठबंधन को बनाए रखना है या फिर कुछ और, ये तो नरेंद्र मोदी को ही पता है। लेकिन जहां तक हम समझ रहे हैं वो ये है कि पीएम चाय पार्टी पर ये बताना भी चाहते हैं और जताना भी चाहते हैं कि वो एनडीए के शुभ चिंतक हैं। हाल के दिनों में राजनीति की आबो हवा में जो कुछ भी सुगबुगाहट हुई, कई रिश्तों में तलखियां भी आईं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली की चाय पार्टी में वो तमाम गिले शिकवे मिटा देना चाहते हैं। देखिए, ये शुरू से ही हमने नारा दिया था और प्रधानमंत्री जी ने देश को कहा था सबका साथ सबका विकास, सभी एक साथ चलें और हिंदुस्तान को आगे बढ़ा के ले जाएं, ये हमारा उद्देश्य है। तो सभी सांसद आएं, सभी आगे बढ़ें, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है, उसमें संकीर्ण मानसिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। रिश्तों की इस हाई टी पार्टी में एक बात ये भी नजर आती है कि राज्य स्तर पर सोच अलग हो सकती है, पार्टी की रणनीति अलग हो सकती है, लेकिन केंद्र में कड़वाहट रत्ती भर भी नहीं आनी चाहिए। एनडीए गठबंधन को मोदी किस मजबूती के साथ लेकर चलना चाहते हैं, ये वो लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भी जाहिर कर चुके हैं। 16 मई को लोकसभा के नतीजों ने जिस तरह से मोदी को सरताज बनाया, बीजेपी को बहुमत के सॉलिड आंकड़े तक पहुंचाया, ये जीत मोदी की अपनी थी, उनकी दिन रात की मेहनत थी। फिर भी मोदी ने जनता के मंच पर गठबंधन को नजरअंदाज नहीं किया। फिर 26 मई के शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कैबिनेट में सहयोगी दलों के मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। अकाली हो या शिवसेना, मोदी ने सत्ता में सबको भागीदार बनाया। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के दौरान गठबंधन में कुछ गलत फहमियां जरूर पैदा हुई। शिवसेना से 25 साल पुराना रिश्ता टूट गया, अकाली दल भी चौटाला के साथ खड़ा हुआ नजर आया। तो क्या अब मोदी इस खटास को दिवाली की मिठास के साथ खत्म करना चाहते हैं? तो क्या ये पार्टी पॉलिटिक्स है? 7 रेस कोर्स पर दिवाली मिलन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के तमाम नेताओं से मिलेंगे, सबसे बारी बारी बातचीत करेंगे। समझा यही जा रहा है कि मुलाकात की इस हाई टी पार्टी में मोदी सहयोगियों के साथ रिश्तों की जड़ों को खाद पानी देने की कोशिश करेंगे। एनडीए सांसदों के साथ चाय पर मुलाकात तो बस एक बहाना है, प्रधानमंत्री मोदी की ये पूरी कोशिश है कि सांसदों के साथ सीधा संवाद कायम हो और साथ ही साथ ये संदेश भी जाए कि एनडीए का गठबंधन अभी खत्म नहीं हुआ। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। 26 अक्टूबर यानी रविवार को मोदी एनडीए के नेताओं से मिलेंगे, तो एक दिन पहले यानी 25 अक्टूबर को पत्रकारों से बात करेंगे।
जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली मिलन का एक समारोह पत्रकारों के लिए भी रखा है। अब सवाल यह है कि पत्रकारों को मोदी की इस दावत में भी पार्टी पॉलिटिक्स है, लेकिन दिवाली के इस मिलन में शानदार भोज भी होगा और पिज्जा वाला नाश्ता भी। दिवाली मिलन का तो बहाना है, असल मकसद तो गठबंधन को लुभाना है। सात रेस कोर्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने सबको आमंत्रित कर दिया है। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से सबको न्योता भेजा जा चुका है। वैसे तो दिवाली मिलन समारोह में एनडीए के तमाम नेता होंगे, लेकिन दिलचस्पी शिवसेना सांसदों की मौजूदगी में होगी। 26 अक्टूबर यानी रविवार को सात रेस कोर्स पर एनडीए के तमाम नेताओं का स्वागत होगा, तो उससे पहले यानी 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी दफ्तर पर पत्रकारों के लिए भी समारोह आयोजित किया है। 25 अक्टूबर को मीडिया से मिलेंगे मोदी, संपादकों से भी बातचीत करेंगे पीएम मोदी, पत्रकारों के लिए भी दिवाली मिलन समारोह। जी हां, शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी उन पत्रकारों से मिलेंगे जो बीजेपी कवर करते हैं, तो साथ ही संपादकों से भी मोदी की मुलाकात होगी। हम आपको बता दें कि न्योता पत्रकारों को भी भेजा जा चुका है। अब मोदी पत्रकारों से क्या बातचीत करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन ये पूरा कार्यक्रम फिक्स हो चुका है। सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच ये कार्यक्रम रखा गया है। हम आपको बता दें कि इस दिवाली मिलन समारोह में पत्रकारों के अलावा संसदीय बोर्ड के सदस्य भी होंगे, यानी राजनाथ सिंह से लेकर अरुण जेटली, वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों से मिलना बहुत कम कर दिया है। पहले तो अमूमन बातचीत हुआ करती थी, मुलाकात हुआ करती थी, लेकिन पीएम बनने के बाद वो अपने काम में मसरूफ हो गए और पत्रकारों की लंबी शिकायत रही है कि वो मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। तो इस शिकायत को दूर करने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कल इस दिवाली मिलन का आयोजन किया है। अब देखना ये होगा कि क्या सिर्फ जलेबी समोसे खिला के ही विदा कर देते हैं या कुछ सवालों के भी पीएम जवाब देते हैं। 25 अक्टूबर के दिवाली मिलन समारोह के लिए भी मेन्यू तय हो चुका है। चाय पार्टी होगी और उसके बाद लंच होगा। जैसा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही ये तय हो चुका है कि किसी कार्यक्रम में विशुद्ध भारतीय खाना ही होगा, यानी दाल रोटी सब्जी जैसे पनीर या फिर और तरह के शुद्ध शाकाहारी व्यंजन, ये सब दोपहर के खाने में होंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि चाय पार्टी में नाश्ते के लिए एक पिज्जा का स्टॉल होगा और एक कॉफी का भी। मैं इस वक्त मौजूद हूं 9 अशोक रोड पर, जो बीजेपी के मुख्यालय 11 अशोक रोड से सटा हुआ एक बंगला है। यहीं पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम बीजेपी बीट कवर करने वाले पत्रकारों से मिलेंगे, साथ ही साथ संपादकों से मिलेंगे और मुख्य संपादकों से भी यही मुलाकात करेंगे। यहीं कल 11 से 12 प्रधानमंत्री मौजूद होंगे। इसी घर के अंदर तैयारियाँ चल रही हैं और मेन्यू भी तैयार हो रहा है कि पत्रकारों को क्या खिलाएंगे प्रधानमंत्री। 26 अक्टूबर को सात रेस कोर्स पर दूसरा दिवाली मिलन समारोह होगा, जिसमें एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इस समारोह को हाई टी पार्टी का नाम दिया गया है। पीएम की इस चाय पार्टी में गठबंधन के शिकवे शिकायतों को दूर करने की कोशिश होगी, तो खटास को मिठास से मिटाने की कोशिश भी। यहां सबकी नजर शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में हाल के दिनों में आई तल्खी पर है। प्रधानमंत्री बारी बारी सबसे मुलाकात करेंगे। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। मोदी के इस दिवाली मिलन समारोह में सबसे ज्यादा चर्चा शिवसेना की है। मोदी की तरफ से शिवसेना के तमाम सांसदों को न्योता भेजा गया है। क्या इस दावत पर शिवसेना और बीजेपी के बीच रिश्तों की खाई भर जाएगी? क्या महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन हो जाएगा? 25 साल के रिश्तों में जो दरार आई, क्या शिवसेना मोदी की दावत पे उसे मिटा देंगे और महाराष्ट्र में फिर से महायुति बनेगी? महाराष्ट्र में सरकार पर अभी माथापच्ची चल ही रही है और मोदी ने दिवाली मिलन समारोह रख दिया है। 26 अक्टूबर यानी रविवार के दिन हाई टी का न्योता शिवसेना को भी भेजा गया है। अब मायने कई हैं। चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना के 25 साल पुराने रिश्तों में जो खाई बनी, क्या वो दिवाली मिलन समारोह में भर जाएगी? कहा यह भी जा रहा है कि इस हाई टी पार्टी में उद्धव भी शरीक हो सकते हैं। दिवाली की रोशनी में शिवसेना को भी कहीं ना कहीं ये दिखने लगा है कि अब पहले जैसी बात नहीं है, इसीलिए जब ताजपोशी होगी तो शिवसेना उस ठसक के साथ खड़ी नहीं हो पाएगी, लिहाजा वो सरकार का एक स्तंभ बनने को तैयार है। और उद्धव अपनी पार्टी के सांसदों से कह चुके हैं कि वो मोदी का न्योता जरूर कबूल करें।
उनकी बुलाने की कोई आवश्यकता भी मोदी जी को नहीं है, तो उन्हें धन्य होना चाहिए कि मोदी जी ने उन्हें बुलाया। जिस वक्त महाराष्ट्र के नतीजे घोषित हुए, शिवसेना के रुख में नरमी उसी वक्त आ चुकी थी और तकरीबन ये भी दिखाई देने लगा था कि बीजेपी के साथ गठजोड़ के लिए शिवसेना राजी है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 123 सीटें मिली हैं। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 22 सीटों की जरूरत है, जबकि शिवसेना के पास 63 सीटें हैं। अगर दोनों मिल जाएं तो आंकड़ा 186 यानी बहुमत को पार कर सकता है। शिवसेना के सांसदों को चाय की पार्टी का न्योता देकर प्रधानमंत्री ने भले ही यह साबित करने की कोशिश की हो कि शिवसेना के साथ गठबंधन जारी है, लेकिन इतना तो साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब रोल बदल गए हैं। बीजेपी सरकार बनाने की हालत में है और शिवसेना को मुंह की खानी पड़ी है, और शायद बीजेपी भी यही चाहती थी कि शिवसेना सौदेबाजी की स्थिति में ना रहे। 27 अक्टूबर को महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक है। इसी दिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी महासचिव जेपी नड्डा भी मुंबई पहुंच रहे हैं, और उससे पहले दिवाली मिलन समारोह में शिवसेना के सांसद पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुमकिन है कि बात दिल्ली में ही बन जाए और महाराष्ट्र में सरकार। मुंबई में साहिल जोशी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। मोदी को रिश्ते गांठना, नेताओं से मिलना, अफसरों से बात करना अच्छा लगता है, ये मोदी के मिजाज में है, और इसीलिए प्रधानमंत्री बनते ही मोदी हर राज्य के सांसदों से तो मिले ही, सचिवों और मंत्रियों का हालचाल भी वो जानते रहे। नरेंद्र मोदी का दिवाली मिलन समारोह भले ही गठबंधन को एकजुट करने के तौर पर देखा जा रहा हो, लेकिन नेताओं, मंत्रियों और अफसरों से मिलना, अनौपचारिक बात करना प्रधानमंत्री मोदी की आदत में पहले से ही शुमार है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बनते ही मोदी ने हर राज्य के बीजेपी सांसदों से बारी बारी मुलाकात की, रोज नाश्ते पर उनसे परिचय लिया, अनौपचारिक बातचीत की, उनके परिवार के बारे में, उनकी मुश्किलों के बारे में, उनका दुख दर्द बांटा। नरेंद्र मोदी की कोशिश रहती है कि हर किसी से उनका सीधा संवाद रहे, वो ये जान सकें कि जिनके साथ वो सरकार चला रहे हैं उनकी मुश्किलें क्या हैं, कहीं उनकी कोई परेशानी तो नहीं है, ताकि सरकार के कामकाज में कोई रुकावट ना आए। हम आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे सचिवों से भी एक एक कर मिल चुके हैं। मोदी सचिवों से उनके ब्यूरोक्रेसी के बारे में पूछ चुके हैं, उनके कामकाज के बारे में पूछ चुके हैं। मोदी ने सचिवों से ये भी जाना कि विभाग कैसे काम करते हैं। इसी हफ्ते यानी सोमवार को मोदी ने अपनी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को बुलाया, राज्य मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक सबके साथ उन्होंने 7 रेस कोर्स पर डिनर भी किया, अनौपचारिक बातचीत की, सरकारी नीतियों के बारे में बताया, सरकार की नई पहल के बारे में बताया। मोदी इसे अपने कामकाज में जोड़ते हैं और सबकी सुनते हैं। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।